हेलो, आज हम सोल्व करेंगे क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 7 थी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या दिया है, हमारे पास ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट ए बी। इसका मतलब कि ए बी लाइन पे तो इक्वल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, डी ए और सी बी इक्वल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब कि डी ए इक्वल बी सी और डी ए ओ इक्वल सी बी ओ। हमें इसमें जो है बी सी इक्वल डी ए और डी ए ओ इक्वल सी बी ओ इक्वल 90 डिग्री। अब हम इसे सोल्व करते हैं, बी सी इक्वल डी ए हमें जीवन में है और डी ए ओ इक्वल अंडर सी बी ओ भी हमें जीवन में है और बी ओ सी इक्वल डी ओ ए, ये हम वर्टिकली अपोजिट अंडर से है हमें जीवन। जैसे कि बी ए इक्वल डी सी है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, इक्वल नहीं है सॉरी, ये स्ट्रेट लाइन है और ये दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कि काट रही है, तो हमारे पास सी और ये अंडर इक्वल हो जाएंगे, वही हमने यहाँ पर किया है। तो फिर ट्रेंडर बी ओ सी कंकरेंट हो जाएगा ट्रेंडर ए ओ डी, बी ओ सी ट्रेंडर ये बार ऊपर वाला हो जाएगा नीचे लगाए ट्रेंडर द इक्वल कंकरेंट, इसका वॉल्यूम भी सेम होगा एरिया सॉरी। तो फिर हमें सी पी सी टी से आ गया ओ सी इक्वल ओ डी, हम इसे सी ओ इक्वल डी ओ भी बोल सकते हैं और इससे हमारे पास आ गया बी ओ इक्वल ए ओ, वही हमें प्रूव करना था। हमें ए बी का बाइसेक्टर प्रूव करना था डी सी, इसका मतलब कि बी ओ इक्वल ओ ए करना था हमें, और वही हमने लास्ट में कर दिया, ये आ गया हमारा आंसर। थैंक यू।